महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय करा देती हूँ। सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दानिश कुरैशी साहब AIMIM के प्रवक्ता हैं हमारे साथ स्टूडियो में। VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जुड़ रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में है। मैं आपको बताऊं कि मुमताज आलम साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं, पत्रकार हैं। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले इस बात से करना चाहती हूँ कि इतना बैकलैश, सिद्धार्थ जी स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान है, लेकिन इतना बैकलैश हिमंत बिस्व शर्मा को अपने नमाज के इस फैसले को वापस लेने पर लगेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था शायद। लेकिन अब उन्हें मुस्लिम विरोधी और हिंदू तुष्टिकरण करने वाला मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। सिद्धार्थ जी देखिए, सुचारिता जी आप इस बात को ऐसे समझिए कि किसी भी सेक्युलर देश में, किसी भी सेक्युलर प्रांत में ऐसी व्यवस्था कैसे हो सकती है कि जिस विधानसभा में बैठ करके प्रदेश की उन्नति के लिए कानून बनाने हो, जहां पर बैठ करके चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रदेश की भलाई के लिए चर्चा करनी हो, नए नए प्रावधान लाने हो, वहां पर दो घंटे आपको उस प्रोसीडिंग्स को स्थगित करना पड़ेगा क्योंकि धर्म विशेष के कुछ लोग, कुछ चुने हुए प्रतिनिधि कहें कि हमको जाकर के अपनी नमाज को अदा करना है। यह अंग्रेजों ने तुष्टिकरण के लिए किया था, 1937 में किया था। भारत एक आजाद देश है, आज 75 वर्ष हमारी आजादी के पूर्ण हो चुके और हम अगर अपने आप को एक सेक्युलर देश बुलाते हैं तो यह प्रथा हमारे देश के किसी भी राज्य में कैसे कंटिन्यू हो सकती है, यह पहली बात है। दूसरी बात, यह निर्णय विधानसभा के स्पीकर द्वारा लिया गया है, जिस सभा में सभी धर्मों के लोग बैठे हुए थे उनने मिलकर के निर्णय लिया है। पर विपक्ष, जो कि फॉरेन एजेंडा पे चलने वाला विपक्ष है और जैसे अंग्रेज तुष्टिकरण करके इस देश में डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे, उसी एजेंडा को आगे बढ़ाने वाला है, वो राजनीति के अपने मौके को छोड़ नहीं रहा है। नहीं तो किसको वो खुश करना चाहते हैं? अरे विधानसभा ने ये कहा कि दो घंटे का ब्रेक दिया जाता था, अब वो ब्रेक ना दे करके प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति के लिए वहां पर और चर्चा होगी, उस समय को इस्तेमाल किया जाएगा, नए नए कानून आगे आएंगे और असम को आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे में हिमंत बिस्व शर्मा को गालियां देने का काम करते हैं, एक चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गाली देने का काम करते हैं और क्या कहते हैं, मैं 10 सेकंड लूंगा, क्या कहते हैं? RJD के नेता तेजस्वी जी कह रहे हैं कि चाइनीज है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए ऐसी घृणा अपने मन में रखें और उनको ऐसे शब्दों से आप नवाजेंगे तो क्या माना जाएगा? ये पूरा जो इंडी अलायंस है, ये जितने विपक्षी दल हैं, पहले भी एक नेता कांग्रेस ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के लोग तो चाइनीज दिखते हैं, आज दूसरे नेता कह रहे हैं कि ये चाइनीज वर्जन है। मैं मानता हूं कि ऐसी घृणित मानसिकता से अब देश आगे बढ़ चुका है और किसी भी प्रदेश को, किसी भी देश के हिस्से को अगर सेक्युलरिज्म की ओर ले जाना होगा, अगर समानता की ओर ले जाना होगा, अगर इक्वालिटी की ओर ले जाना होगा, तो ऐसे जो रूढ़िवादी प्रावधान है उनको हटा करके फेंकना पड़ेगा, नहीं तो और कोई रास्ता इसमें नहीं। नहीं, आपने कह दिया कि ये एक रूढ़िवादी सोच है और जाहिर है जिस तरह से पहले ये एक फैसला रहा, लेकिन उस पर राजनीति आगे बढ़ चुकी है। अब मैं उस राजनीति का जिक्र कर रही हूं, एक बार विनोद जी आपसे पूछ रही हूं, राजनीति, हिमंता जी भी जो फैसले लेते हैं वो ऐसे ही नहीं लेते हैं, उन्होंने चैलेंज दूसरे के पाले में गेंद फेंक दिया, उन्होंने कहा विपक्ष जो कह रहा है जरा आप अपने राज्य में इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए पहले 4 घंटे को, उसके बाद हम भी कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी और राज्य में नहीं है ऐसा। देखिए, दो राज्यों में दुर्भाग्य से उसी मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के कारण जो है ना, उन्होंने नमाज रूम बनाया था, उनको बैकलैश का सामना करना पड़ रहा। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सदन किस लिए बनाए? अगर नमाजी पढ़नी तो भाई सदन में क्यों, तो घर में पढ़ लो ना यार, मस्जिदें बनी है बहुत सारी, वहां जाओ ना आप, कौन मना कर रहा है? और मैं कहता हूँ उस पीरियड में भी पढ़ना जाओ ना, कौन मना कर रहा है? आप जाइए, अगर सदन का टाइम बर्बाद करना ही है आपने, सोच ही रखी है, आप जाइए, लेकिन सब लोगों को तो मत इन्वॉल्व करिए ना। मुझे तो नमाज नहीं पढ़नी भाई, मुझे क्यों जबरदस्ती मेरे को छुट्टी दे रही है? मेरे को नहीं चाहिए छुट्टी। तो सदन ने अगर निर्णय लिया है और सदन के सहमति से निर्णय लिया है, सदन के चीफ ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो मुझे लगता है इसको सबको सहर्ष से स्वीकार करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। भैया प्रेम कुमार जी बता दीजिए, मैं दानिश जी के पास जाऊं उससे पहले बता दीजिए ना भाई, कौन सी सरकार है, कहां पर ऐसा रूल है? अगर किसी के लिए नहीं है, किसी और धर्म के लिए इस तरह की छूट है क्या विधानसभा में? और दूसरा एक और बात मैं कहना चाहता हूं, प्रेम जी ये भी बताइए कि आखिरकार विरोध का रीजन क्या है? विरोध का रीजन क्या, वो बोल रहे, अच्छा कोई ऐसा बता दीजिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रेम जी, मुझे बताइए कहां कहीं किसी तरह की ऐसी छूट है? देखिए पहली बात ये है कि ये रूल आज का बना नहीं, दूसरी बात ये है कि चाहे रूल लाने में या हटाने में मुसलमान शामिल नहीं है, है ना, लेकिन वो इन्वॉल्व है चूंकि वो सब्जेक्ट है इस विषय शामिल है ना जी, वो तो डिसीजन में शामिल है ना सर,
वो तो सदन का डिसीजन है सर, आपको मेरा तो डिसीजन है, इसको क्लियर कर लें। सदन का डिसीजन है, इसमें कमेटी होती है, रूल्स कमेटी होती है, रूल्स कमेटी का डिसीजन, इसको विधानसभा का पारित प्रस्ताव मत बोलिए, इससे कंफ्यूजन होता है। अरे भाई विधानसभा नहीं कहा है ये, रूल्स कमेटी का मतलब विधानसभा की कमेटी है ना। बीजेपी के नेता सिद्धार्थ जी कह रहे थे स्पीकर का डिसीजन, स्पीकर का भी डिसीजन नहीं है, ये रूल्स कमेटी का डिसीजन है। अरे है तो रूल्स कमेटी किसकी है सर? वो नहीं नहीं रूल्स क्लियर, वही बोलना चाहिए, सदन की है ना ये, सदन ने कोई प्रस्ताव थोड़ा सर, सदन की है ना, नहीं जो है वही तो सदन की है। तो आप पॉइंट पर आई ना, आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? कह रहे थे एक बात कि ये मुसलमान ना तो रूल लेकर आए थे ना रूल हटा रहे, लेकिन वो सब हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मिलेगी, पढ़ने दिया, मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मिलेगी, मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता हूँ, बताइए इजाजत देंगे? वो कह रहे दो घंटे, हनुमान चालीसा दो घंटे हमारे को सुंदरकांड का पाठ करना नहीं, क्यों आप अभी चाहने की बात कर रहे थे ना कि मुसलमान नहीं इन्वॉल्व इसके अंदर, अभी आप चाहने की बात तो कर रहे थे, मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है, मुझे बताइए वहाँ पर हिंदू बैठे हुए हैं, सुंदरकांड का पाठ हमारी संस्कृति का भाग है, मंगलवार को पाठ करने का नियम है भाई साहब, आप इजाजत दिलवा दीजिए, इजाजत मुझे बताइए, नहीं नहीं आप मांग कीजिए ना सरकार से, मांग कीजिए भाई, हम कह रहे हैं अगर देश अगर सहमत होगा उस बात पर, एक तरफ बोल रहे हैं कि मुसलमान देश सहमत होगा उस बात पर, सरकार सुनिए उन्होंने ये नहीं कहा, वो आपने कहा मांग कर दीजिए, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, जिसको जो चाहिए वो मांग करे सरकार से, लेकिन अगर अगर एक समानता की बात हो रही है तो किसी धर्म को ऐसी विधानसभा में ऐसी छूट नहीं है, तो उस छूट को हटाना मुसलमान विरोधी कैसे है? नहीं धर्म मत बोलिए उसको, मजहब बोलिए, नहीं नहीं मजहब मजहब को छूट है, धर्म तो एक ही है, हम पहले से कह रहे हैं दो नहीं हो सकते, 77 साल से जो व्यवस्था चल रही थी, अरे चल रही थी, गलत चल रहा था ना भाई, मुझे बताओ ना गलत चल रहा है, नहीं चल रहा सही कैसे, सही है, अरे सही गलत चल रहा था ना, गलत चल रहा था, मुझे बताइए हमारे भारत भारत के अंदर मुझे बताइए विभाग कैसे चल रहा है, गलत हिंदू लोला है, अरे बताइए कसम करोड़ों साल से कसला चल रही थी, भारत संस्कृति के अंदर हिंदू पद्धति शर्मा के साथ, बताइए क्यों लाए नेहरू हिंदू बैरियर, क्यों लेके आए नहीं लाते हिंदू बैरियर, शर्मा के शासन में क्यों लेके आए, क्यों लेके आए हिंदू बैरियर, लेके आए परंपरा गलत चल रही थी, आचार्य जी आपने जो बात पूछी, मैं मुझे लगता है उसी सवाल को लेकर एक बार मैं जा रही हूँ दानिश कुरैशी साहब के पास। दानिश साहब, आचार्य विक्रमादित्य यहाँ कह रहे हैं कि अगर मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है विधानसभा में तो मुझे दो घंटे की छूट क्यों नहीं है, क्या मेरी हनुमान चालीसा का पाठ जरूरी नहीं है मेरे लिए, सीधा सवाल वो पूछ रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं सुचारिता, अभी मैं बोलूंगा ना तो फिर ये सब उछलने लगेंगे, आपको याद हो तो देश के प्रधानमंत्री आप हैं जनाब, मेंढक आप बने बैठे, हम बंदूक नहीं है, उछलने के बाद आपको लगती है मिर्ची, आपको लग जाती है, अच्छा ठीक है, उछलने वाले नहीं है, मेंढक आप हैं, नहीं 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 मेंढक कूप बंदूक, दोनों तरफ से कह रही हूं इस तरह की भाषा नहीं, बात देते वक्त समझो, वी नीड टू मेंटेन अग्रेस, फिर आपको उछालना पड़ेगा आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी एक मिनट, दानिश जी को आप दोनों से कह रही हूं इस तरह के पर्सनल कमेंट्स या ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करें, अपना अपनी राय रखें, सुनिए दानिश जी अपनी अरे मैंने 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 अच्छा ये क्यों उछल रहा है, इसको कह दिया क्या मैंने, इसको तो नहीं क्या भाई, ये इसको मैंने तो इन जनरल बात कही थी, इसीलिए तो बता रहा हूँ, भाषा खराब है, तमीज भाषा खराब है, तमीज कर रही है, इसको इसको नहीं अच्छा, एक मिनट आचार्य जी, आचार्य जी अंदर कांदा अंदर हो गया, अच्छा एक मिनट एक मिनट आचार्य जी अंदर हो गया, कमी नहीं लगे, अच्छा एक मिनट एक मिनट आचार्य जी मेरी रिक्वेस्ट है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट दानिश जी अपने नेता के बयान पर, तमीज तूतड़ा एक मिनट आचार्य जी बैठ के, दानिश साहब एक मिनट, दानिश साहब मुझे जरा बयान पर रिएक्शन चाहिए, एक मिनट आचार्य जी, आचार्य जी एक मिनट तूतड़ा करने की, आचार्य जी बिल्कुल तूतड़ा, मैंने उन्हें बोला है, मुझे उन्हें बोला है, नहीं नहीं वो बिल्कुल गलत है, माफी मांगे आचार्य जी, नहीं ऐसी तैसी वाली भाषा नहीं होगी, दानिश जी आपके नेता का स्टैंड बताइए इस पर, वो सीधे सीधे पूछ रहे हैं, और मैं ये भी पूछ रही हूँ आपसे, नहीं पर्सनल इस तरह से मत जाइए ना, नहीं सुन रहे इनको, विनोद जी देखिए मेरे पूज्य आचार्य जी का अपमान किया है, एक मिनट विनोद जी स्टूडियो के अंदर, नहीं ये गलत बात, बिल्कुल गलत, वो कूदने लग गए, इसे इसे उल्लू के पट्टे को माफी मांग लीजिए, अरे नहीं विनोद जी इस तरह की भाषा, आई कैन नॉट अलाउ, आई कैन नॉट अलाउ दिस लाइन, नहीं बोला ये विनोद जी, मैं मुझे बताइए, मैं नहीं बोलता, नहीं आप मेरा मेरा इतिहास सर, जो गलत है वो गलत है, एक का गलत दूसरे के आगे अपमान करेगा तो सुनना पड़ेगा इसको, विनोद जी प्लीज माफी मांगिए, मैं नहीं एक मिनट रुक जाइए प्लीज, मैं अनवर पाशा जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट अनवर पाशा जी के पास जाऊंगी, मुझे लगता है सत्य नहीं है तो बकवास करना बंद, बहुत खराब भाषा, नहीं बोला कम से कम, नहीं विनोद जी आपकी भाषा भी खराब है, और उनकी मैं बोलना पड़ा मुझे, नहीं इस तरह की भाषा है, कैनॉट एक्सेप्ट, गलत है, मैं भी नहीं बोलता, और उनकी भाषा भी गलत है, लेकिन बहुत खराब भाषा का इस्तेमाल कर, ठीक नहीं है, एक मिनट मैं अनवर पाशा जी के पास जा रही हूँ, अनवर पाशा जी को स्क्रीन पर ले लीजिए, और साथ ही सिद्धार्थ जी आप देख रहे हैं कि एक फैसले से कितना कुछ बदल गया है, अब मेरा मुझे सीधा सवाल मेरा ये है कि क्या इसकी जरूरत थी सिद्धार्थ जी, अब आप
ने जो आपकी सरकार ने असम ने जो फैसला लिया उससे ये माहौल महाभारत में तो हो रहा है, लेकिन ये क्यों आप ये क्या कह सकते हैं कि इस तरह का माहौल देश में नहीं होगा इस फैसले से? सुचारिता जी, क्यों होगा ऐसा माहौल देश में, क्या कारण है? इस देश में सांप्रदायिक अंग्रेज इस फैसले को लेकर के आए थे, तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस और विपक्ष ने इसको इतने सालों तक चलाया और एक पंथ निरपेक्ष भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को हटा दिया। या तो हम कह दें कि हमारा देश तुष्टीकरण से ही चलेगा, हम कह देते हैं ये बात, हम कह देते हैं कि अपीजमेंट जहां नहीं होगी वहां पे देश नहीं चलेगा, नहीं